अब आपको दिखाते हैं दो तस्वीरें जो दो बड़े हमलों की तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इराक के इरबिल शहर से, जहां अमेरिकी काउंसलेट के करीब मिसाइल से हमला हुआ है। इराक ने मोसाद के ठिकानों को निशाना बनाते हुए 12 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। दूसरी तरफ यूक्रेन में रूस ने हमले तेज कर दिए हैं। हर जिले में इस वक्त रूस बमबारी कर रहा है। यूक्रेन के 25 शहरों में सायरन बज रहे हैं। तो इराक पर ये बड़ा मिसाइल हमला हुआ है, जो अमेरिकी काउंसलेट के करीब इरबिल में 12 मिसाइलें गिरी हैं। एक बड़ी खबर इराक से सामने आ रही है, जहां इरबिल शहर में अमेरिकी काउंसलेट के करीब एक के बाद एक कई मिसाइलों से हमला हुआ है। करीब 12 मिसाइलें दागे जाने की खबर है। इराकी मीडिया के मुताबिक 6 धमाके हुए हैं। तस्वीरें भी हमने आपको दिखाई। हमले के बाद इरबिल में वॉर सायरन बज गए। शुरुआती रिपोर्ट के मुताबिक ये हमला ईरान की धरती से किया गया। तो देखिए, रूस यूक्रेन जंग के बीच इराक से आई एक बड़े हमले की ये खबर है। इराक में मौजूद अमेरिकी दूतावास पर 12 मिसाइलें दागी हैं। मोसाद के ठिकाने पर ईरान ने किया है मिसाइल अटैक। बड़ी खबर है, इरबिल के मौजूद अमेरिकी दूतावास के पास ये मिसाइलें गिरी। अमेरिका के दूतावास पर फिलहाल कोई नुकसान नहीं है, ऐसी कोई खबर नहीं आ रही है, लेकिन ये बड़ा हमला है इराक पर। ABP News, आपको रखे आगे।